नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फाइल कॉइन यानी कि FIL क्रिप्टो के बारे में। तो दोस्तों, फाइल कॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक बात तुरंत क्लिक करती होगी कि ब्लॉकचेन है तो इसका मतलब इस पे डैप और डीफाई और ये सारे काम इस पे होते होंगे। तो नहीं दोस्तों, रुकिए, समझिए, इसका यूजेस जो है वो अलग है। तो दोस्तों, इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 197 करोड़ फाइल कॉइन क्रिप्टो या फाइल कॉइन टोकन, और जो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 17.87 करोड़ FIL क्रिप्टो या FIL कॉइन या टोकन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में अगर हम इसके रैंक की बात करें दोस्तों, तो वो आता है टॉप 50 में। इसका रैंक जो है वो है 43। अब दोस्तों, करते हैं इसके यूजेज की बात। तो फाइल कॉइन जो है दोस्तों, वो एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज नेटवर्क है जो IPFS पे काम करता है। IPFS का मतलब है इंटरप्लेनेटरी फाइल स्टोरेज। तो दोस्तों, अब IPFS क्या है? IPFS में क्या होता है कि बहुत सारी नोड्स होती हैं जो अपने यहाँ स्पेस प्रोवाइड करती हैं डेटा की स्टोरेज के लिए। मान लीजिए आपके पास कोई फाइल है, आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो अभी आप उसको क्या करते हैं, आप क्लाउड स्टोरेज में जब जाते हैं तो आप उसको गूगल ड्राइव पे या माइक्रोसॉफ्ट जो ड्राइव प्रोवाइड करते हैं उस पे आप क्लाउड स्टोरेज में डाल देते हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जो भी डेटा आप वहाँ स्टोरेज में डालते हैं वो सारा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गूगल हो चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, वो उसको एक्सेसिबल होता है। तो आपका जो डेटा होता है वो सिक्योर तो होता है, लेकिन इन एनी केस ये कंपनीज उस डेटा को एक्सेस कर सकती हैं। ऑल्दो ये हमेशा क्लेम करते हैं कि हम इस डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमेशा से रहती है। तो दोस्तों, IPFS जो है वो उसका लिए एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ जो नोड्स होती हैं वो नोड्स आपको एक स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, वहां पे आप अपना डेटा एनक्रिप्ट कर सकते हैं, उसको एक प्राइवेट की के साथ लॉक कर सकते हैं, और उस प्राइवेट की के साथ ही आप अनलॉक करके उस डेटा को देख सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम है जो कि जो नॉर्मल क्लाउड सिस्टम जो मार्केट में चलते हैं वो नहीं दे रहे हैं। और उसी तरह क्रिप्टो जो है उसका जो वजूद ही है वो डिसेंट्रलाइजेशन है। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, जैसे फेसबुक में या आपका क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल में या इन चीजों में, ये जो सारा डेटा होता है वो एक जगह जाके स्टोर हो जाता है, और जो वो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस डेटा को वो एक्सेस कर सकती है, तो आपका डेटा जो है वो वल्नरेबल हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो जब से आई है, ब्लॉकचेन जब से टेक्निक आई है, तब से जो ये डेटा है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, अलग अलग जगह पे उसको स्टोर किया जाने लग गया है। तो फाइल कॉइन जो है डेटा स्टोरेज का डिसेंट्रलाइज तरीके से एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और अगर हम जो ये नोड्स हैं, जो ये एफर्ट्स करती हैं, जो ये स्पेस प्रोवाइड करती हैं, तो इस एफर्ट्स के बदले में उनको FII जो है कॉइन मिलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत प्यारा सा इसका यूजेज है। अब हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो अभी 17-17.5 US डॉलर के आसपास और INR में 1350 से 1400 रुपए के आसपास चल रहा है दोस्तों। और जब मैं इसको चार्ट पे भी देख रहा हूँ और इसका यूजेज भी देख के जब मैं इसको कंबाइंड करके देखता हूँ, तो मेरे को ये एक बहुत अच्छी पोजिशन में इस टाइम लग रहा है। ऑल्दो इट्स कंसोलिडेटिंग ऑन द चार्ट, चार्ट पे ये कंसोलिडेट हो रहा है तो थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन आप इसको स्लो बाइंग कर सकते हैं, और जितना धीरे हो उतना बाय करें। और इस साल के अंत तक जो मैं इसका टारगेट देख रहा हूं 68 से 70 डॉलर और INR में 4500 से 5500 रुपए के आसपास ये जा सकता है जब भी मार्केट बुल फेज में आती है। और दोस्तों, कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर करें, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होना है, जो भी लॉस होना है, वो आपका होना है। तो दोस्तों, जुड़े रहें क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।